निवेदिता जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसने सुहानी को इंडिया बुलाया था, उसके पीछे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मकसद था उसके पीछे। मैं चाहती थी सुहानी और रागिनी का आमना सामना हो, बट अनफॉर्चुनेटली सुहानी इंडिया पहुँचती है तो वो गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। सो घर वाले बहुत टेंस है कि सुहानी कहाँ गायब हो गई। ऐसे में मैं पुलिस के साथ ये खबर लेके आती हूँ कि एक लाश मिली है और हमें उसे आइडेंटिफाई करने जाना है। सो ऑब्वियसली सब लोग बहुत शॉक्ड है, टूट चुके हैं। पैम तो बिल्कुल ही पूरी तरह से टूट चुकी है, बहुत रो रही है, टेंस है, मेरे ऊपर चिल्ला रही है, कम्प्लीटली मुझे ब्लेम कर रही है क्योंकि मैंने सुहानी को इंडिया बुलाया था। तो यही जो चल रहा है, इसी यही ड्रामा फिलहाल शो में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले शादी का मौत और अभी इतना ड्रामेटिक, मतलब इतना दुखदायक समय, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट है जो सुहानी का राज है। कैसे सुहानी के राज में निवेदिता, नील या रागिनी, क्या हुआ था 15 साल पहले सुहानी से रिलेटेड, जिसकी वजह से नील और रागिनी का डिवोर्स हुआ था। तो काफ़ी सारी राज जुड़ी हुई है इस ट्रैक के साथ, और वही जो राज है निवेदिता चाहती है कि वो खुल जाए रागिनी के सामने। सो फॉर द स्टोरी इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो एक जर्नल ट्विस्ट के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि सुहानी का कहानी में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट करी है नील रागिनी हम सब के ज़िंदगी में सुहानी, और उसी वजह से मैंने सुहानी को इंडिया बुलाया है। सो लॉट्स ऑफ ड्रामा टू अनफोल्ड। देखिए सोशल मैसेज हो, सीख तो आपको हर एक्सपीरियंस से मिलता है, तो हर शो से आपको कोई ना कोई सीख मिलती है। हमारे शो में ऑब्वियसली हम जो हमारे मेन दो किरदार हैं नील और रागिनी, वो दो डिवोर्स्ड एक कपल है। सो मेन जहाँ से शो की शुरुआती होती है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है लेकिन माता पिता का नहीं होता है, और आज का जो वक्त है स्पेशली अर्बन सेंटर्स में बहुत डिवोर्स केसेस होते हैं। सो आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से कि कैसे माँ बाप जो सिंगल पेरेंट्स है, कैसे बच्चों के साथ उनका बैलेंस, क्योंकि एक बच्चे को पिता चाहिए, माँ चाहिए, दोनों चाहिए जिंदगी में। सो ये जो प्रॉब्लम्स होती है आज के लाइफ में, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द शो इज प्रीटी रिलेटेबल। एज एन एक्टर मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ निवेदिता के कैरेक्टर को, बिकॉज मैंने लाइफ में नेगेटिव रोल्स किया नहीं है। ऑब्वियसली मैं इसको टिपिकल नेगेटिव नहीं बोलूंगी क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ही नॉन नेगेटिव है, इट्स वेरी रियलिस्टिक। शी इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर। निवेदिता जो भी करती है, जब आगे दर्शकों को पता चलेगा कि क्यों, क्या है निवेदिता, क्यों आई है, सो उनको पता चलेगा कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। सो शी इज़ अ एक्सट्रीमली रियल कैरेक्टर, एंड आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करने में ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज अगर आप कंप्लीटली गुडी गुडी पॉजिटिव हो सो इट्स वेरी वन डायमेंशनल, यहाँ पे बहुत लेयरिंग्स होते हैं। सो आई एम थर्ली एंजॉइंग प्लेइंग निवेदिता। नील की बेटी है सुहानी, जो अमेरिका आती है, जिसे मैं नहीं बुलाती हूँ, उसे कोई और बुलाता है, और वो आ जाती है मेरी परमिशन लिए बगैर, नील को बताए बगैर, मतलब मेरे भाई को बताए बगैर, और वो आ जाती है, वो एयरपोर्ट से गायब हो जाती है। और एयरपोर्ट से वो गायब हो जाती है, उसे ढूंढ रहे हैं, शी इज़ ऑलमोस्ट बीन किडनैप। सीन में ये मतलब पुलिस आई है, बोली कि एक किसी की बॉडी मिली है शायद, तो आप उसकी शनाख्त करें। और ये सारी चीज़ें, मी बीइंग अ मदर, आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल मदर, बट मैंने उसको पाला है, तो मैं रो रही हूँ ऑब्वियसली। एंड मुझे ब्लेम किया जा रहा है इस बात के लिए कि मेरा ध्यान नहीं था बच्चों पे, मेरा ध्यान नहीं था बच्चों पे, या मैंने कोशिश नहीं की, मेरी परवरिश ठीक नहीं थी, बहुत सारी बातें सुनाई गई है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन। तो मैं वही कह रही हूँ कि शायद मैंने बच्चों को पैदा नहीं किया, इसलिए मेरी वैल्यू नहीं है। गाया से थोड़ी सी बेटर जिंदगी या वैल्यू है इन लोगों की, मतलब मेरी इन लोगों की लाइफ में। और बेटी का टेंशन है, तो गुस्सा भी निकल रहा है कि सम पीपल आर टेकिंग लिबर्टीज़, तो वो ना करें, कहीं पे धमका रही हूँ, मैं धमका रही हूँ किसी को कि जाओ ढूंढो मेरी बेटी को, कहीं पे रो रही हूँ, तो इट्स अ टेंस सिचुएशन। हाँ, आई मीन एक सीन वैसे हुआ था, बट आई डोंट नो इफ शी इज द कॉज, मतलब आई जस्ट ब्लेम्ड हर फॉर दैट, बिकॉज शी गिव्स अ कॉल एंड शी सेज कि हाँ, बट दैट्स इट, मतलब आई डोंट नो। कुछ दिन पहले
एक तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ट्रैक है और इंटेंसिटी सारे सीन्स में होंगी, क्योंकि इसमें आपको देखने मिलेगा एक फादर, कुछ बहुत सारे पापा होते हैं ना जो दिखाते नहीं है बच्चों की तरफ प्यार, लेकिन बहुत प्यार होता है, तो वैसे वाला एक प्यार दिखेगा डैड का अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए। मेरा दिखेगा, मैं एक माँ हूँ जो मतलब लीगल मदर तो नहीं हूँ, बस पाला है, बुआ हूँ, लेकिन माँ की तरह पाला है, बहुत प्यार करती है, एक वो पेन। और काफ़ी सारा ड्रामा जो सुहानी को लेकर अब तक चल रहा था सस्पेंस में, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और खुलेगा। तो मेरे ख्याल से दिस स्टोरी लाइन इज रियली वेरी गुड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब लाइक आई सेड कि हम लोग थ्रू आउट वर्क कर रहे हैं, वी आर रीडिंग इट एंड या थैंक यू।